न्यू राजेंद्र नगर रायपुर स्थित अर्पण दिव्यांग स्कूल में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को तिलक लगाकर शाला प्रवेश करवाया। इस मौके पर सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रकाश शर्मा और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को कॉपी और उपहार भेंट कर 5 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की। न्यू राजेंद्र नगर स्थित अर्पण दिव्यांग स्कूल में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को तिलक लगाकर शाला का प्रवेश कराया। इस मौके पर उन्होंने सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रकाश शर्मा और स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों के कार्यों की काफ़ी सराहना की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को कॉपी और उपहार भेंट कर 5 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा वहन करने की घोषणा भी की। बता दें, प्रदेश भर के मूक बधिर बच्चों के जीवन में उनकी ही शैली और सांकेतिक भाषा में शिक्षा के साथ ज्ञान का उजियारा फैलाने न्यू राजेंद्र नगर में अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल प्रमोद दुबे समेत अन्य लोग संचालित कर रहे हैं। इस स्कूल के तीसरे शिक्षा सत्र के लिए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को शाला प्रवेश करवाया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को कॉपी के साथ उपहार भी दिए। इस मौके पर समाज सेवी गुरुचरण सिंह होरा ने 5 दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा भी की। गुरुचरण सिंह होरा घोषणा के बाद प्रमोद दुबे, प्रकाश शर्मा, डॉक्टर राकेश पांडे समेत मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया और हौसला अफजाई की। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने अर्पण स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यों की सराहना दिल से करी। आज दिव्यांग शाला प्रवेश उत्सव पे दिव्यांग बच्चों के बीच आज उपस्थित हुआ। हमारे विशेष रूप से इस संस्था के कर्ता धर्ता प्रमोद दुबे जी, डॉक्टर राकेश पांडे जी, इस स्कूल के प्राचार्य, स्टाफ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे एक मौका मिला ऐसे बच्चों से मिलने का जो कि आम दुनिया से कुछ हटके हैं और जो ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ईश्वरीय शक्ति से नहीं होती है, उसमें उन चीज़ों को जान भरने का काम ये संस्था कर रही है। निसंदेह रूप से ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आज हमने घोषणा की कि ग्रैंड चैनल की तरफ से इन 5 बच्चों को जो है गोद लिया जाएगा और जो भी हमारे तरफ से जो भी बन पड़ता है हम इस संस्था का करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब के बारे में बताया राकेश पांडे जी, 9 क्लिनिक चलाते, उसका 40% हिस्सा वो इसी स्कूल में दे देते हैं। ऐसे 5 लोगों की टीम बन के चल रही है, बिना किसी डोनेशन, बिना किसी चीज़ के अपने स्रोतों से चला रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। अर्पण स्कूल के संरक्षक, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे और प्रकाश शर्मा ने शाला प्रवेश के मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ी से लेकर विद्यार्थी हो या अन्य लोग जो भी गुरुचरण सिंह होरा के पास जाते हैं, उनकी वे बिना बोले सहायता कर देते हैं। वे अपनी माँ की सेवा करने के साथ बच्चों की सहायता करने के लिए हर पल हर कदम तैयार रहते हैं। वहीं स्कूल की कोऑर्डिनेटर सीमा छावड़ा ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस शाला का प्रवेश उत्सव एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आज शुरुआत हो रही है जिनके बारे में कहें कि घर से मंदिर हो अगर दूर तो चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गुरुचरण होरा जी न जाने कितने ऐसे बच्चों जो रोते हुए बच्चे थे उनको अपने पूरे जीवन में हंसाने का न केवल काम किया बल्कि वो बताते नहीं है, मुक्त कंठ से बिना कुछ बोले वो इतना कर जाते हैं कि ईश्वर ऊपर से देख करके इसी प्रकार के उनको आशीर्वाद देता है कि वो कहीं आज तक के किसी चीज का जिक्र नहीं करते। भैया शायद आपकी जानकारी भी नहीं होगा, ये बच्चे, इनको सबसे पहले जब हम ग्रैंड इंपीरिया होटल में खाना खिलाने ले गए थे तो आपको बताया भी नहीं था हम लोगों ने, लेकिन जब ये बच्चे गए वहाँ तो 20 मिनट तक देख रहे थे कि हम कहाँ आ गए, लेकिन इन लोगों ने भरपेट भोजन किया, वहाँ किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई। और तब से डॉक्टर राकेश पांडे हमेशा कहते थे कि शाला प्रवेश उत्सव में आदरणीय गुरुचरण भैया को इसलिए बुलाना जरूरी है क्योंकि मैं माँ की सेवा करता हूँ और माँ की सेवा गुरुचरण भैया भी बहुत शिद्दत से करते हैं, और न केवल माँ की सेवा करते हैं बल्कि
इन बच्चों के लिए भी उनके मन में अथाह स्नेह जागृत होता है। हमारे बीच में श्री गुरुचरण सिंह जी होरा मौजूद है, मैं बता देना चाहूंगा इनके बारे में। नाम गुरुचरण, वास्तव में गुरु, खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के गुरु के रूप में न जाने कितने खिलाड़ियों की मदद की है, कितने खिलाड़ी पैदा किए, कितने खिलाड़ियों को देश विदेश में भेजा, फिर भी बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाले, खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित, शुरू से देख रहे हैं, समाज सेवा में समर्पित, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति, बातचीत में भी नॉर्मल, नहीं इतनी लगे गुरु चरण सिंह हो रहा है, इतने बड़े व्यक्ति कारण चैनल के मालिक में इसके उसके कहीं कुछ नहीं, और हर किसी की मदद की रहती है। इनके सामने मुझे उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। सरावली मैडम समाज सेवा से जुड़ी हुई है, जरूरतमंद लोगों को मदद करती है, वो बल्कि अपने से होकर देखते रहती है कि वास्तव में जरूरतमंद कहाँ है और वहां तक पहुंच कर मदद करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में हमने शाला प्रवेश उत्सव किया है। ये बच्चों का स्वागत का दिन रहता है। बच्चे गर्मी की छुट्टियों के बाद में स्कूल में वापस आए हैं। उनका पढ़ाई धीरे धीरे जैसे क्रमवार शुरू होगा, उनका एक टाइम टेबल फिक्स होगा, जिसमें हमने श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को बुलाया था, जिन्होंने बच्चों का तिलक लगा के उनको कॉपी पुस्तक वितरण किया है। साथ में इनोवील कॉस्मो की प्रेजिडेंट कोपल सरोगी मैडम भी आई हैं, उन्होंने बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह की बहुत प्रशंसा की। और हम चाहेंगे अब ये जो आगे आने वाला हमारा सत्र है 2023-24, इसमें बच्चे और प्रगति करें और इस बार हमारे बच्चे 8वीं तक की परीक्षा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।